वेलकम बैक टू यू एमबी न्यूज। मौसम के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और किस जिले से आप ये न्यूज बुलेटिन को सुन पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। यूपी बिहार में अगले दो दिन हो सकती है मूसलाधार बारिश, दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। यूपी बिहार और महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पिछले 5-6 दिनों से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश दो दिनों तक रहेगी जारी। मौसम विभाग ने यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, फतेहपुर, वाराणसी, हिसार नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में झमाझम बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग ने मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव आदि जिलों में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। सोमवार की रात राजधानी भोपाल में भीषण बारिश हुई है। वहीं दिन में उमस की स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों तक भोपाल में आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। इसी के साथ रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण कई शहरों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार में मॉनसून विदाई की ओर है। इससे पहले राज्य में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी राज्य के कई इलाकों में बरसात की संभावना जताई थी। भागलपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व भाग में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि शेष भाग में एक या दो जगहों पर आंशिक से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस हफ्ते ही बिहार से मॉनसून की विदाई संभव है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार से भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और बांका में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 12 अक्टूबर को रोहतास, भभुआ, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। मॉनसून की विदाई में अभी 3 से 4 दिन लग सकते हैं। 12 से 15 अक्टूबर तक राज्य में मॉनसून की वापसी की संभावित तिथि है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बारिश का यह दौर आज भी जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ईस्ट मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे के इलाके और गोवा आदि में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तमिलनाडु में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।